स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। आज डेली वोकैबुलरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम सेट 103 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, थॉमटर्जी। थॉमटर्जी का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो कि जादू से रिलेटेड है, मैजिकल चीज़ों से रिलेटेड है। नेक्रोमेंसी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम हो जाता है। सो थॉमटर्जी इस नाउन का अर्थ है द परफॉर्मेंस ऑफ मिरेकल्स और मैजिक। द परफॉर्मेंस ऑफ मिरेकल्स और मैजिक दैट इज़ कॉल्ड थॉमटर्जी। थॉमटर्जी के सिनोनिम्स हैं बेविचरी, इंशैंटमेंट, मैजिक, मोजो, नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी थॉमटर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। सॉसरी, वूडिज्म, विचरी और विजार्डरी, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं थॉमटर्जी के। थॉमटर्जी जादू से रिलेटेड। इसका एक यूसेज देखते हैं। द सीरियल विजर्ड्स ऑफ वेवली प्लेस डील्स विद Thaumaturgy. It deals with magic. It deals with necromancy. So the serial Wizards of Waverly Place deals with thaumaturgy. Moving on to the next word, etiology. Etiology शब्द का अर्थ होता है the study of causes and origin. जब भी आप causes, क्या कारण हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हम etiology शब्द का प्रयोग करते हैं। कारण और उत्पत्ति, कारण और उत्पत्ति का अध्ययन करना etiology होता है। इसका अर्थ है origin और cause. A branch of knowledge that is concerned with causes, the causes of a disease and its origin, that is what etiology looks at. इसका एक यूसेज देखते हैं। They figured out the etiology of Shyam's incessant pain in the abdomen. They figured out the etiology, that means cause क्या है, origin क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, क्या कारण है, उसका अध्ययन करना etiology का अर्थ होता है। So etio शब्द का अर्थ है cause या causation and ology का अर्थ है the scientific study of something. So etiology, the study of causation or origin, that is called etiology. Moving on to the next word, eviscerate. Eviscerate शब्द का अर्थ होता है आंतड़ियाँ निकाल देना। जब आप सारी चीज़ें जो आपको एनर्जी दे रही हैं, ऊर्जा दे रही हैं, या आपके ऑर्गन्स को हम खींच के निकाल देते हैं, उसके लिए हम वर्ड eviscerate शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है deprive something of its essential content या फिर disembowel। Disembowel का अर्थ होता है आंतड़ियाँ निकाल देना। जैसा कि यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जानवर की आंतड़ियाँ निकाली जा रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिसएम्बावल। टू कट ओपन एंड रिमूव द इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो शब्द है एविसरेट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था जब हम ममीज़ को डिस्क्राइब कर रहे थे। इजिप्शियन ममीज़ जो हैं, किस प्रकार से उनकी पूरी बॉडीज़ को एविसरेट कर दिया जाता था, उनकी आंतड़ियाँ अच्छी तरह से निकाल दी जाती थी ताकि वो बॉडी प्रिजर्व हो सके। ये इजिप्शियन हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली उनके संदर्भ में काफी बार प्रयोग होता है। इसका एक यूसेज देखते हैं। We have all seen on the Discovery Channel a vulture eviscerate or take out the guts of a dead animal. तो किस तरह से जो स्कैवेंजर्स हैं, ऐसे हमारे इम्पोर्टेंट फूड साइकिल के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो कि डेड लोगों के ऊपर ईट करते हैं, दे यूजुअली एविसरेट। सो वी हैव ऑल सीन ऑन डिस्कवरी चैनल द वल्चर एविसरेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट शब्द का अर्थ होता है नाश कर देना। जब आप किसी चीज़ को उजाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म एक्सटर्पेट। एक्सटर्पेट का अर्थ है टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, टू वाइप आउट। वाइप आउट एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है एक्सटर्पेट का। टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कम्प्लीटली, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं दैट द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड। सो यहाँ पे एक्सटर्पेट, उनको उखाड़ दिया है, वाइप आउट कर दिया है, you've destroyed it completely. इसका एक यूसेज देखते हैं। Modern medicine is extirpating certain diseases. Modern medicine is extirpating, that means वो नाश कर रही हैं certain diseases का। एक और यूसेज यहाँ पर है, My worst summer job over involved extirpating an entire acre of weeds. As we can see over here in the image, extirpate, उखाड़ देना, destroy कर देना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फैक्टिशियस. फैक्टिशियस शब्द का अर्थ होता है नकली. ऐसी चीज़ जो कि आर्टिफिशियल है उसके लिए हम फैक्टिशियस शब्द का प्रयोग करते हैं. इस एडजेक्टिव का अर्थ है डिवेलप्ड और क्रिएटेड आर्टिफिशियली, ऐसी चीज़ जो कि नकली है. इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सिमिलर वर्ड्स देखते हैं, फेक, बोगस, स्पीशियस, fraudulent, spurious. Sham is also an important synonym. Fabricated, manufactured. ये सारे important synonyms हैं factitious शब्द के. इसका एक usage देखते हैं. According to experts, the statue is of factitious marble. नकली marble का है ये पूरा statue. Moving on now to the quiz of the day. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आज के quiz of the day को solve कर सकते हैं. Starting on with the first word, anguish. Anguish का अर्थ होता है when you are sorrow, जब आप पीड़ा में हैं. So torment, suffering, distress, angst, misery, heartbreak, woe या unhappiness, ये important synonyms है एंग्विश के, जिसका अर्थ है जब आप पीड़ा में हैं, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं. यू आर एंग्विश्ड. आई वॉज एंग्विश्ड एट माई रिजल्ट्स. एंग्विश्ड, यू आर इन स्टेट ऑफ सोरो. प्रीकर्सर. प्रीकर्सर का अर्थ है फोर रनर. फोर रनर या ऐसी चीज़ जो कि एक एंटीसीडेंट है, आपकी पूर्वज रह चुकी, आपसे पहले आई हुई है या फिर पहले आ जाना. दैट इज़ कॉल्ड अ प्रीकर्सर. द एड वॉज अ प्रीकर्सर टू द फिल्म, और द क्लिपिंग वॉज अ प्रीकर्सर टू द इंटायर सीरीज. सो प्रीकर्सर अग्रगामी और कोई भी चीज़ जो कि पूर्वज है. सो प्रीडिसेसर, फोरफादर, antecedent, ancestor, progenitor, pioneer या trailblazer, ये important synonyms हैं of the word precursor. Moving on to the next word, annihilate. इसका अर्थ है नष्ट कर देना, destroy कर देना. That is annihilate. हाइपरबोल. हाइपरबोल का करेक्ट मैच द फॉलोइंग है एग्जैजरेशन. जब आप बहुत ज़्यादा डींगे मार रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं. अगर आपको एक कट लगा है तो आप उसे मॉर्टल वूंड कह रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल. छोटा सा चोट लगी, छोटी सी चोट लगी है लेकिन आप उसे बहुत बड़ा कह रहे हैं. दैट इज़ हाइपरबोल. न्यूसेंस, बाधा, किसी भी प्रकार की अनॉयंस, उसके लिए हम न्यूसेंस शब्द का प्रयोग करते हैं. एन्यूमरेट का अर्थ है एक एक करके लिखना, लिस्ट बना देना, एक एक करके बताना. दैट इज एन्यूमरेट फॉर अस. इनडिफेटिकेबल. इनडिफेटिकेबल का अर्थ है ऐसी चीज़ या ऐसा व्यक्ति जो कभी थके ना, टायरलेस है, अथक है, उसके लिए हम इनडिफेटिकेबल का प्रयोग करते हैं. प्रिस्टीन का अर्थ है शुद्ध, प्योर, पवित्र, ऐसी चीज़ जो कि परफेक्ट है, प्योर है, प्राचीन है, उसके लिए हम प्रिस्टीन शब्द का प्रयोग करते हैं. ऑब्ड्यूरेट का अर्थ है हठी, ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ढीठ है, स्टबर्न है, उसके लिए हम ऑब्ड्यूरेट शब्द का प्रयोग करेंगे. ट्रांसिएंट का अर्थ है क्षणिक, ऐसी चीज़ जो कि मोमेंटरी है, उसके लिए हम ट्रांसिएंट शब्द का प्रयोग करेंगे. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी वर्ड्स में जो डिस्कस हुए हैं उसमें कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.